प्रदेश की सियासी गर्माहट के बीच प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से अपना असर दिखा रहा है। लगातार बढ़ रहे रैपिड पॉजिटिव मरीजों की तादाद के इजाफे ने स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। इस मामले को लेकर काशीपुर प्रशासन भी अलर्ट मूड में पहुंचकर रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाकर कोरोना को कंट्रोल करने में जुटा है। आज इस मामले में जब हमारी टीम ने जायजा लिया और कोविड 19 के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरोना का ग्राफ बढ़ना चिंताजनक है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम पूरी तरह से हालात पर नजरें गड़ाए हुए हैं और साथ ही हमने जांच के दायरे को बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन डोज लगाने में भी तेजी लाए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं क्षेत्रीय नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह, सुनिए। पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के साथ साथ हमारे ब्लॉक काशीपुर में भी कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए सभी बॉर्डरों पर बहुत सख्ती कर दी गई है और पूरा दिन 12 घंटे वहां पर हमारे टीम मौजूद रहती है जो कि आरटीपीसीआर और एंटीजन की पूरी सुविधा दे रही है। वहां पर रैपिड चेकअप हो रहे हैं, हर जितने भी वहाँ पर पब्लिक आती है हमारी आउटसाइडर से उनकी सेकेंड डोज चेक होती है। जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा है, हाथों हाथ उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जहाँ तक निर्वाचन का भी अब समय आ गया है, जितने हमारे निर्वाचन के उनके लिए हमारे बूथ में जितनी जगहों पर सेकेंड डोज फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हुई है वो भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से भी कोविड से हमने बचना है। सेकेंड लहर में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन पर काफ़ी जोर दे रखा है और 5 टीमें हमने बना रखी हैं जो कि बॉर्डर्स पे और जगह जगह पे मोबाइल टीमें जाकर जहाँ पे बहुत कोविड संक्रमित लोग मिल रहे हैं उन एरियाज़ में हम लोग कंटेनमेंट जोन को एक दिन के लिए बनाकर हाथों हाथ वहाँ पर रैपिड एंटीजन चेकअप कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग जा रहा है कहाँ कोविड पॉजिटिव ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं।